जैसा हमने मल्टीपल रिग्रेशन समझ लिया होता क्या है, तो इधर उसके अजम्पशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला अजम्पशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल भी हो सकता है, कैटेगोरिकल भी हो सकता है। उसके लिए हम डमी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट उसमें होता है, इसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जेंडर है मेल फीमेल, वी कैन गिव फॉर एग्जांपल हम जीरो या प्लस डिनोट कर सकते हैं, मेल्स वन फीमेल जीरो और फीमेल वन मेल जीरो, इस तरह से। सो इसे हम बोलते हैं डमी वेरिएबल, बट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में कैटेगरीज हैं तो देयर इज अनदर क्लास ऑफ रिग्रेशन, इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वहां पे ये यूज होता है। तो सेकेंड आपका अजम्पशन है कि ऑल द आईडीज एंड डीडीज शुड बी लीनियरली रिलेटेड। ये मैंने पहले भी कहा था आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो कोरिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर दैट मींस वो एक स्ट्रेट लाइन के पैटर्न में आना चाहिए, स्कैटर प्लॉट के थ्रू। वो कर्व नहीं हो सकता, कर्व होगा तो इज अनदर क्लास ऑफ रिग्रेशन, जिससे हम उस चीज को डील करेंगे। बट फॉर नाउ जो आईडीज हैं आपके, उनके इंडिविजुअल स्कैटर प्लॉट्स विद द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियर। इसका मतलब है कि लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कि पियर्सन का होता है उसका वैल्यू हाई होना चाहिए। आपका थर्ड अजम्पशन ये है कि नो मल्टीकोलिनियरिटी। नो मल्टीकोलिनियरिटी इसका ये मतलब, मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब ये है कि जो आप सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उनके बीच में कोरिलेशन हाई नहीं होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप x1 ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, x3 ले रहे हैं, ये आपकी सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका ये कंसर्न है थर्ड पॉइंट का कि इन तीनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 0.7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 0.7 से ऊपर है दैट मींस आपका डेटा मल्टीकोलिनियर है, दैट मींस आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं बहुत सिमिलर हैं। जितने ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सिमिलर होंगे उतने आपकी वैल्यू ज्यादा अच्छी आएंगी, बट वो एरर है एक तरह का, जिसको हम बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। सो जितना इनका भी कोरिलेशन जो है हाई नहीं है तभी आप लेंगे। अगर हाई है कोरिलेशन तो आपको कोई भी वेरिएबल हटाना पड़ेगा एनालिसिस के बीच में से। तो काफी अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये इसका इस पॉइंट का कंसर्न ये है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। बट जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का ही एसोसिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा है तो सिमिलर है इसका मतलब, तो आपका रिजल्ट जो है इनफ्लेटेड आएगा हमेशा। थर्ड फोर्थ आपका अजम्पशन है कि रेजिडुअल्स मस्ट बी नॉर्मल। जैसा कि हमने देखा कि हर कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू भी होती है ऑब्जर्व वैल्यू भी होती है, उन दोनों वैल्यूज के सब्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं रेजिडुअल्स। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन के हर इंडिविजुअल के या हर डेटा पॉइंट का एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा, एक ऑब्जर्व वैल्यू होगा, दैट मींस उनका एक सब्ट्रैक्शन रेजिडुअल भी होगा। तो जब हम उस रेजिडुअल को प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में तो वो एक नॉर्मल कर्व का पैटर्न ही फॉलो करना चाहिए, दैट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडुअल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजिडुअल्स शुड बी नॉर्मल। ये एक हमारा फोर्थ अजम्पशन है।
फिफ्थ असम्पशन होता है द एब्सेंस ऑफ आउटलायर्स. एब्सेंस ऑफ आउटलायर्स एक कुक्स डिस्टेंस होता है. कुक्स डिस्टेंस के द्वारा आप देख सकते हैं कि आउटलायर्स है तो नहीं है. अगर आउटलायर्स हैं तो उन्हें रिमूव करके आप डेटा को रीएनालाइज कर सकते हैं. अदरवाइज SPSS में स्टेम एंड लीफ प्लॉट करके एक चीज होती है, उस प्लॉट के द्वारा आप आउटलायर्स का आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हैं केस वाइज. लास्ट अजम्पशन है अजम्पशन नंबर 6, उसको हम बोलते हैं होमोस्केडास्टिसिटी. सिक्स अजम्पशन हमारा है होमोस्केडास्टिसिटी के ऊपर. इसका ये मतलब है कि अगर हम एक्स एक्सिस में स्टैंडर्ड रिजर्वल्स का वैल्यू ले लें और वाई एक्सिस में स्टैंडर्ड प्रेडिक्टेड वैल्यूज, मतलब स्टैंडर्ड वाई कैप. यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म यूज करने का मतलब ये है कि जो रिजर्वल का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेजिडुअल का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल के लिए हमारे पास एक रेजिडुअल की वैल्यू है. दैट मीन्स अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व स्कोर एंड प्रेडिक्टेड स्कोर. उस डिस्ट्रीब्यूशन को ही अगर हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल ये वाई है, ये वाई क्या है हर इंडिविजुअल का. मान लीजिए वाई इज 1, 3, 5 एंड 9 और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो है 1.5, 4 this can be 3 and this is 5. तो रेजिडुअल की वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों का डिफरेंस. हेयर इन दिस केस इज -0.5, इस केस में है -1, इस केस में है 2, इस केस में है 4. तो अब ये नॉर्मल रॉ स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर मैं इसी को ही जेड में कन्वर्ट कर दूं, दैट मीन्स इनका हर एक का मीन निकाल के, हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं कि z इज इक्वल टू x माइनस x बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. हर डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल के इस फॉर्मूला में डालूंगा तो मुझे हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक z डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. तो अगर मैं स्टैंडर्ड r स्टैंडर्ड आर मीन स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल स्कोर्स को अगर मैं वाई एक्सिस में ले लूं और स्टैंडर्ड प्रेडिक्टेड वाई स्कोर्स, मतलब इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन का सेट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ में, तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ किसी भी रैंडम शेप में आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर एक स्कैटर्ड प्लॉट है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो दैट मीन्स योर अजम्पशन इज मेट. बट अगर ग्राफ का शेप ऐसा है, कुछ ग्राफ इज लुकिंग लाइक अ फनल, इट इज अपवर्ड गोइंग. अगर ग्राफ आपका ऐसा है दैट मींस आपका जो सिक्स्थ अजम्पशन है होमोस्केडास्टिसिटी का, वो अजम्पशन जो है फेल हो गया है, मीट नहीं हो पाया है. इसका मतलब ये है कि द वेरियंस ऑफ द रेसिडुअल इज सेम अक्रॉस ऑल द वैल्यूज ऑफ प्रेडिक्टेड वेरिएबल, प्रेडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमारा अजम्पशन तभी मीट होगा जब एक रैंडम एरे होगा, एक फनल शेप का नहीं होगा. बट सिंस एक फनल शेप का है दैट मींस कि द वेरिएशन इन द रेसिडुअल्स इज नॉट सिमिलर अक्रॉस द प्रेडिक्टेड वैल्यू. दैट मींस कि जब आपका प्रेडिक्टेड स्कोर कम है तो आपका वेरिएशन कम है और प्रेडिक्टेड स्कोर के बढ़ते बढ़ते आपका वेरिएशन ज्यादा हो गया है. दैट मींस देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द वेरिएशन ऑफ आर. सो इस केस में आपका डेटा अजम्पशन को मीट नहीं कर रहा है. तो ये थे हमारे सिक्स अजम्पशन. डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियरली रिलेटेड, इनके बीच का कोरिलेशन जो है लीनियर होना चाहिए. देयर शुड बी नो मल्टीकोलिनियरिटी, दैट मींस आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में ही कोरिलेटेड ज्यादा ना हो. थर्ड अजम्पशन इज एब्सेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, दैट मींस कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो आपस में ही ना ज्यादा कोरिलेटेड हो. तो आपका फोर्थ अजम्पशन इज कि रेजिडुअल्स का जो प्लॉट होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. फिफ्थ अजम्पशन इज एब्सेंस ऑफ आउटलायर्स व्हिच कैन बी चेक्ड बाय अ कुक्स डिस्टेंस, जो रिग्रेशन के साथ ही होता है, जो वैल्यू 1 से ज्यादा है उसे आप रिमूव कर सकते हैं. सिक्स्थ एंड लास्ट अजम्पशन इज ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी, दैट मींस कि
the variation in the reservoir should be constant across the all points in predictor. Sixth assumption is of homoscedasticity. That means the variation in the reservoir should be constant across all the values of the predicted variables. That's it for the regression analysis. Thank you for watching this video.